अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इस वक्त हमारे साथ सिडको के MD श्री लोकेश चंद्र जी मौजूद हैं और सतर्कता सप्ताह चल रहा है। खारघर में जो सिडको का कार्यालय है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया। इस वक्त सर से ही जानना चाहते हैं एक्चुअली किस तरह की व्यवस्था आज से शुरू हुई है आपकी और इसका क्या फ़ायदा होगा आने वाले समय में। आज से हम लोगों ने जो हमारा CFC था, सिटीजन फैसिलिटी सेंटर, उसको ऑनलाइन कर दिया है। इसमें जो लोग हैं जिनको जो भी सर्विसेज चाहिए वो अपने घर पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं और जो रिक्वायर्ड जो परमिशंस हैं उनको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगी। इसके लिए अभी तक जो उनको CFC में हमारे कार्यालय में आने की जो जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं रहेगी, तो इससे उनका जो समय है और उसका जो खर्च भी होता था आने जाने में वो भी बचेगा और एक नियत कालावधि में लोगों को ये सुविधाएँ मिलेंगी। सर, सिडको में ऑलरेडी जो विजिलेंस डिपार्टमेंट काम करता है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी काम करती है, कितना बेहतरीन आपको लग रहा है कि इसका फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि आज भी सिडको में जिस तरह से पारदर्शी कामकाज होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये जो हमारा एक ऑनलाइन CFC का जो एक स्टेप है ये पूरा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए ही हमने शुरुआत की है। ये जो पूरी प्रक्रिया है पूरी ट्रांसपेरेंट है, इसमें किस स्टेज पर वो एप्लीकेशन है, किसके पास पेंडिंग है, वो भी वो जो एप्लीकेंट है वो देख सकता है। और इसमें हमने जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको भी सिंप्लीफाई किया है। जो आमतौर पर जो शिकायतें आती हैं कि जो एप्लीकेशंस पेंडिंग रहते हैं उसमें टाइम लगता है, उसी को दूर करने के लिए ये जो व्यवस्था की है इसमें एक नियत कालावधि में उनको वो जो एप्लीकेशन करेंगे उसका निर्णय निपटारा होगा और उसका स्टेटस उनको ऑनलाइन कभी भी देखते आएगा। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट अभी तक उलझे हुए हैं जैसे एयरपोर्ट का मामला है और दूसरे कई डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं, मरीना प्रोजेक्ट है, क्या अभी स्टेटस है? सिडको किस दिशा में उसे ले जाना चाहती है और जो नवंबर में या 2019 के अंत तक उड़ान भरने की जो तैयारी थी नई मुंबई एयरपोर्ट से, वो कहां तक पहुंचा आपका टारगेट? नवी मुंबई जो एयरपोर्ट का काम है, जो इनका समय कालावधि है उसके हिसाब से चल रहा है, उसमें हमारा लैंड डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है और अभी जो कंसेशनर है उन्होंने जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो अवार्ड कर दिया है और इसका जो कार्य की जो गति है वो जो आवश्यक है उसी हिसाब से काम चल रहा है। इसके अलावा मरीना वाला जो प्रकल्प है उसमें अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। मैरीटाइम बोर्ड को हमने वो प्रकल्प दिया हुआ है, हमने उनके साथ में उसका रिव्यू किया है और निश्चित रूप से उसमें ही जल्दी ही कार्रवाई शुरू होगी। सर, एक मामला पनवेल महानगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको हैंडओवर करने का मामला है। महानगर पालिका का कहना है कि जब तक पूरा विकास नहीं हो जाता तब तक हैंडओवर नहीं होना चाहिए। उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं, जैसे डंपिंग ग्राउंड की प्रॉब्लम चल रही है, घन कचरा व्यवस्थापन का की बड़ी गंभीर समस्या है, पानी सप्लाई को लेकर दिक्कत चल रही है, इन समस्याओं का कैसे निराकरण कैसे किया जा रहा है? नहीं, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो आवश्यक कदम है वो सिडको के द्वारा ऑलरेडी ले लिए गए हैं। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी खामियां थी उनको दूर करने के लिए ऑलरेडी हमारे जो टेंडर्स हैं अवार्ड हो चुके हैं, उसमें जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है, उसके हिसाब से जो आवश्यक कार्रवाई हो रही है। घन कचरा व्यवस्थापन के लिए भी आवश्यक जो डिस्पोजल साइट है उसका भी आइडेंटिफिकेशन हुआ है और अभी की जो प्रेजेंट जो साइट है उसमें भी अभी कुछ समय के लिए वहाँ पर व्यवस्था जो कंबाइंड जैसी व्यवस्था चल रही थी वो चलती रहेगी और कॉर्पोरेशन के साथ में जो भी इश्यूज़ हैं उनका हम टाइम से टाइम टू टाइम रिव्यू करके उनका निराकरण कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, एक तो इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जो एरिया नोटिफाइड किया गया था उसको लेकर क्या स्थिति है और दूसरा जो मेगा हाउसिंग स्कीम है आप लोगों ने अनाउंस किया था कि 90,000 घर एक साथ अनाउंस किए जाएंगे, अभी 9,289 घर सिर्फ आए हैं, तो ये कब तक होगी और जो रेट उसका फाइनल की जो ऑफर प्राइस दी गई वो बहुत ज़्यादा है जो लोगों का कहना है, तो ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे उपलब्ध हो पाएगी आम लोगों को जब रेट सिडको का इतना ज़्यादा है? नहीं, इसमें जो 90,000 घरों की योजना है उसका कार्य अभी शुरू हो चुका है और उसमें से जो आवश्यक जो परमिशंस हैं उसके हिसाब से आप लोगों को मालूम है कि अभी महारेरा में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है, तो जिन घरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका हमने लॉटरी का प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाकी घरों की अभी जो आवश्यक जो परमिशंस हैं लेने के बाद वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसमें रेट में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो हमारे सिडको के द्वारा जो बनाए हुए घर हैं उनके जो रेट हैं वो सबसे कम हैं। उसमें हम लोगों ने हमारी जो पॉलिसी है उसमें
क्रॉस सब्सिडाइजेशन का भी प्रोविजन रखा है। इसके अलावा उसमें जो सब्सिडी और इंटरेस्ट लिंक्ड जो सब्सिडी है वो भी प्रावधान है। तो ये जो घर हैं वो सबसे कम दरों में लोगों को उपलब्ध हैं। और अभी हम लोगों ने जो पिछली बार 15,000 घरों की जो लॉटरी निकाली थी उसमें करीब करीब 270,000 आवेदन आए। इस बार का भी जो हमारा अभी तक 9,000 घरों की जो लॉटरी के लिए आवेदन मंगाए हैं उसमें करीब 1,00,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ चुके हैं। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक और मेगा हाउसिंग स्कीम हमने 1,10,000 घरों की बनाई है। और निश्चित रूप से जो दर्जेदार जो घर हैं और उचित कीमत में सभी जो आवश्यक वर्ग हैं जिनके लिए ये घर बनाए जा रहे हैं उनको सड़कों के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। अब एक बोनस सवाल, जैसे आज डिजिटल सारा सिस्टम आपका होते जा रहा है, पेमेंट को लेकर सारी व्यवस्थाएं तैयार हो गई हैं, लोग घर बैठे अपनी सेवाओं का, यहाँ के जो सिडको की सेवाएं हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हाउसिंग के पेमेंट का मामला था उसके लिए एक हफ्ते का समय बढ़ाना पड़ा। लोग समझ रहे हैं कि जो सिडको की डिजिटल सेवा ऑनलाइन सेवा है वो जी का जंजाल बन गई है, पेमेंट टाइम पर नहीं हो पा रहा है, और जिस तरह से पार्ट पेमेंट की सुविधा होनी चाहिए वो भी एक मुश्किल थी। आपने खुद एक हफ्ते का समय जो आवेदक थे उनको दिया था। नहीं, वो अभी ये जो सारी व्यवस्थाएँ हैं उसमें कहीं जो टेक्निकल खामी थी उसको दूर कर दिया गया है। अभी एक वीक का जो टाइम हमने बढ़ाया था वो इसलिए बढ़ाया था कि हमारे ध्यान में ऐसा आया कि बहुत सारे लोगों ने उस नियत कालावधि तक पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो अभी हमारे पास जो सुविधा है वो पूर्णतः उपलब्ध है और लोग ऑनलाइन पेमेंट करा रहे हैं, कर पा रहे हैं, उसमें कोई जो टेक्निकल इश्यूज थे वो सारे दूर कर दिए गए हैं। तो डिजिटल का फ़ायदा लोगों को होने वाला है? बिल्कुल हो रहा है। इनफैक्ट अभी आपको जो ऑनलाइन जो CFC है इसमें भी और हमारे जो भी सारी पेमेंट व्यवस्था हमने पूरी पूर्णतः ऑनलाइन कर दी है। हाउसिंग लॉटरी का पूरा जो काम है वो पूरा ऑनलाइन कर दिया है। तो ये एक जितनी भी सुविधाएं हम उनको जिसमें कि ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो और जैसा कि आपने मेरे से पहले पूछा कि ट्रांसपेरेंट और स्पीडी डिसीजन उसमें मेकिंग हो पाए, तो इसके लिए जो IT का जो यूज़ है हम लोग सिडको में ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि सिडको MD ने खुद कहा कि जो डिजिटल सेवाएं, जो ऑनलाइन सेवाएं हैं सिडको की, उसका फ़ायदा लोगों को निश्चित तौर पर मिलेगा और ट्रांसपेरेंट और स्पीडी जो सेवाएँ हैं वो सबको उपलब्ध होंगी। कैमरामैन मुसा पटेल के साथ मैं सुधीर शर्मा, TVN India, नवी मुंबई।